प्रोग्राम के आज। हाँ, एम आई ऑडिबल? आवाज जा रही है? फैकल्टी यस मैम। डेवलपमेंट प्रोग्राम के सेकेंड डे पर मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आपको मैं बता दूं कि आज का सेशन भी डॉक्टर रोहित सर द्वारा ही संचालित होगा। जैसा कि कल आपको बताया गया था, कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे आज जुड़े हुए हैं, उनके संज्ञान में मैं दे दूं कि डॉक्टर रोहित सर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। सर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा से गोल्ड मेडल के साथ एमटेक की उपाधि हासिल की है और कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि आपके रिसर्च के एरियाज रहे हैं। सर की टेक्नोलॉजी में विशेष महारत हासिल है। लैंग्वेज स्किल भी देखें तो सर की काफी हाई लेवल की है, यानी सभी लैंग्वेज में सर की महारत हासिल है। तो सर आज हमारे बीच में जुड़े हैं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। सर का हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने पूरे कॉलेज टीम के साथ। इसके साथ ही मैं अपने कॉलेज मैनेजर डॉक्टर विजयलक्ष्मी मिश्रा मैडम का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अपर्णा मिश्रा मैडम का। इसके साथ ही पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जो भी प्रतिभागीगण हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और कुछ ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं, मैं ऐसे सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा हमें अफसोस भी है, एक्चुअली हमारे पास 100 की ही लिमिट है और चाहते हुए भी हम अपने कुछ प्रतिभागियों को अपने प्रोग्राम से नहीं जोड़ सके कल। और बाद में दो चार लोग का मेरे पास फोन भी आया कि मैं नहीं जुड़ सका या मैं नहीं जुड़ सकी, तो इसके लिए मुझे अफसोस है। आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर संभव हो सका तो हम आगे के प्रोग्राम में अपनी ये स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, अपनी लिमिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हमारा प्रयास इसमें जारी है और इसके लिए ना जुड़ पाने के कारण के लिए हमें खेद भी है। इसके साथ ही मैं और यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारा सहयोग करने वाले सभी अपने टेक्निकल टीम का, हमारे पूरे महाविद्यालय के स्टाफ का, जो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा कि सर ने हमें ई लर्निंग के जो भी वेरियस फीचर्स थे उनको बताया, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में, किस तरह से ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, क्लास में अपनी टीम को बना सकते हैं और साथ ही अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ उनका उनकी हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से सर ने एक एक स्टेप को हमें समझाया और हम ये आशा भी करते हैं कि शायद हमारे सभी प्रतिभागी गण को समझ में आया होगा। और आज सर का सेशन पुनः माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही संचालित होगा। आज के सेशन में कहते हैं ना कि विदाउट इवेल्युएशन टीचिंग इज इनकम्प्लीट, तो शिक्षण के साथ मूल्यांकन भी जुड़ा हुआ है, बिना मूल्यांकन के वास्तव में शिक्षण अधूरा है। तो आज हम सर से सीखेंगे कि ऑनलाइन मोड से यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से हम कैसे बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, क्विज क्रिएट कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर सर के द्वारा आज प्रकाश डाला जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर आपका, प्लीज आप मंच पर आए और अपने अनुभव को, अपने प्रेजेंटेशन को हमसे साझा करें। मोस्ट वेलकम सर। जी धन्यवाद मैम। मैं पुनः एक बार फिर से महाविद्यालय परिवार साथ कन्वीनर इस वर्कशॉप के इस डिप्टी कन्वीनर मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस मंच पर होने का अवसर प्रदान किया गया। क्योंकि जैसा कल हम लोग लेक्चर स्टार्ट किए थे तो हमारा मेन फोकस था कि ई लर्निंग क्या है और ई लर्निंग से उसी का एक जो सब्सेक्ट है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, उस पर हम डिस्कस किए। एक स्पेशल जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उनके बारे में हम लोग जाने की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते क्या है और उसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह मिलता जुलता जो करेंट में हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम के हम लोग बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस किए
और कुछ फीचर्स अभी भी रिमेनिंग है जिनको हम इस सेशन में कवर करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो कल हम लोग मोस्टली देखा जाए तो कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम को इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में देखे थे, कैसे उसमें हम क्लास क्रिएट करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे, और जो वेरियस टाइप के यूजर्स है जैसे ओनर होते हैं, ओनर मीन्स इक्विवेलेंट टू फैकल्टी, जैसे कोई टीचर है किसी पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहा है वो आपका ओनर होता है या फैकल्टी होता है, ऐसे जो मेंबर होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, और जो गेस्ट होते हैं, मान लीजिए कुछ कोई और क्लास लड़का है और वो मान लीजिए चाहता है कि इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या पढ़े लेक्चर को, तो गेस्ट होते हैं मतलब जो अदर क्लास में जिनको आप लगता है कि आपको अलाउ करना है, ऐसे हम लोग देखेंगे कैसे हम चैनल क्रिएट करते हैं। जो चैनल होते हैं इज इक्विवेलेंट टू सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है बी ए थर्ड ईयर, तो इसमें हो सकता है कि मे बी आपके मोर देन वन सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, ऐसे आपका हो सकता है मैथ्स हो, और ऐसे सपोज करिए आपकी संस्कृत भी सब्जेक्ट हो, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या करते हैं जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ हम चैनल क्रिएट करते हैं। मैम हमारी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। तो इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ हम चैनल क्रिएट करते हैं। तो कल हम लोग बताए थे कैसे हम चैनल क्रिएट करते हैं, ऐसे ही कैसे हम टीम को मैनेज करते हैं, जैसे कि मेंबर्स को हमें ऐड करना है या रिमूव करना है उसके बारे में देखें, ऐसे चैनल मान लीजिए मुझे ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है या डिलीट करना है उसके बारे में देखें, और ऐसे सेटिंग्स के बारे में देखें कि जो पर्टिकुलर जो ये तीन तरह के यूजर होते हैं इनके ऊपर हम क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्यों देखें। एक टॉपिक आपका जो रह गया है वो है आपका कैसे आप स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे टीम में। स्टडी मटेरियल शेयर करने के लिए ऐसे एक आपका एक ऑनलाइन नोटबुक टाइप का होता है, टीम में फीचर होती है, तो ऑनलाइन आप नोट बनाइए ताकि बच्चों को भी दिखता रहेगा और सबको दिखता रहे और आपको भी कहीं कहीं आपको हर जगह एक्सेसिबल होगा, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं कहीं से भी और कहीं से भी उसको आप अपडेट कर सकते हैं, तो ये आप एक फीचर होता है। कल मीटिंग कैसे शेड्यूल करेंगे इसके बारे में हम लोग देखे थे, और मीटिंग कैसे ज्वाइन करेंगे इसके बारे में, ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेंगे इसके बारे में। एक टॉपिक आपका रह गया व्हाइट बोर्ड, जैसे अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे पेन टैब से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ स्लाइड्स पे, और आपको लग रहा है कि जैसे कि हम लोग क्लासरूम टीचिंग में जैसे ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो यूजिंग ब्लैक बोर्ड पे हम कुछ लिखते हैं यूजिंग चॉक, और बच्चों को इजीली समझ में आता है, हमें समझाने के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स हो तो और अच्छे से हम ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज करते हैं, या कोई डायग्राम के थ्रू हम समझाना हो तो हम ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे टीम में एक आपका फीचर है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड होता है मतलब जो एक तरह कहा जाए वर्चुअल बोर्ड है, जिसके थ्रू हम बच्चों को जो भी लिखेंगे जो भी हमारी स्क्रीन शेयर होगी वो दूसरे साइड बच्चों को दिखेगी, जो भी एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हम लोग कवर चुके हैं और वीडियो कंट्रोल्स भी है, नेक्स्ट अटेंडेंस भी हो चुका है, दो आपके दो चीजें जो मेन बची हुई है वो है असेसमेंट का तरीका, जो भी आपने पढ़ाया उसको कैसे आप एसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो चीजें कवर करेंगे कि स्टडी मटेरियल कैसे बच्चों को हम प्रोवाइड करें और क्लास नोटबुक का कैसे हम यूज करें, हम लोग असेसमेंट में असाइनमेंट और क्विज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए कि जैसे मैंने एक क्लास कल क्रिएट किया था, तो इस क्लास के बारे में आपके मतलब उसी में जब विदिन द सेशन ही में सारी चीजें किया था, तो जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आपकी हिंदी का सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि नहीं बच्चों को हिंदी से रिलेटेड हमें कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह उनको देना है, या सपोज करिए कि हमें नोट्स प्रोवाइड करना है, तो सिंपल है आप यहाँ फाइल्स पे जाइए, मतलब इस पर्टिकुलर आप क्लास मतलब सब्जेक्ट में जाइए, मान लीजिए जितने नंबर ऑफ चैनल है जैसे हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो हमने क्या किया हिंदी मान लीजिए हिंदी का हमें कुछ कंटेंट अपलोड करना है, तो हम यहाँ जाएंगे हिंदी वाले क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए फाइल्स का एक सेक्शन है, तो जैसे ही फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास एक तो है कि न्यू आप डायरेक्टली आप यहीं क्रिएट करिए कोई कंटेंट, और एक है कि आपके ऑलरेडी कंप्यूटर में मान लीजिए आपने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए हैं और उसको आप चाहते हैं अपलोड करना, अगर उसको अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ अपलोड में जाइए, तो दो चीज़ें हैं, एक फाइल्स और एक फोल्डर है, मतलब अगर आप समझ रही कि आपके कंटेंट बहुत सारे फाइल्स हैं और फोल्डर में आपने रखा हुआ है, यूजिंग फोल्डर आप अपलोड करेंगे, और समझ रही कि इन केस अगर आपका जो कंटेंट है वो समझ रही है कि आपके फाइल्स के फॉर्म में है तो आप फाइल्स के थ्रू अपलोड, तो यहाँ फाइल्स पे क्लिक करेंगे, समझ रही हमारे कंप्यूटर में मैंने इसको यहाँ रखा हुआ, जिसमें मान लीजिए कि ये आपकी एक हमारा एक कंटेंट मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, इसको हम यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे अपलोड पे तो ये यहाँ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और ये जैसे ही अपलोड होगा तो जो अदर साइड जो हमारे बच्चे इस क्लास में एडेड है उनको भी ये शो करना लगेगा कि टीचर ने कुछ ना कुछ कोई मतलब कंटेंट इसमें अपलोड किया,
सिमिलरली सपोज कि आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, चाहते हैं कि नहीं आप यही क्रिएट करें और यही आपका अपडेट हो, मतलब अपलोड हो जाए। आप यहाँ सिंपली देखिए आपको जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करना हो उस तरह का फाइल आप ले सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए सपोज वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आप यहाँ वर्ड पे क्लिक करिए और सपोज यहाँ इसका नाम मैंने नाम दिया, तो मैंने हिंदी नोट्स करके सपोज मैंने इसका नाम दे दिया और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया और यहाँ जो भी समझ रहे मैं लिख रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन में लिखता जाऊंगा यहाँ पे वो यहाँ आपका सेव होता जाएगा। मान लीजिए लेक्चर वन है, लेक्चर वन में मान लीजिए मैं जो भी हो सकता है कि मैंने कुछ लिटरेचर का पार्ट कवर किया हो, यहाँ मैं लिटरेचर लिखूंगा, जो भी आप करेंगे यहाँ आपका सेव होता रहेगा। और जैसे ही आपका ये हो जाए तो आप इसको यहाँ से देखिए क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ यहाँ क्लोज करेंगे आपको क्लोज, और देखिए आपके यहाँ ऑलरेडी वो ऑनलाइन जो भी आपने क्रिएट किया था वो आपका नोट्स है यहाँ पे। तो दो चीजें हैं, एक तो है कि आप यहीं से क्रिएट करिए, जो भी आपको नोट्स वगैरह बनाना है आप ऑनलाइन ही बनाइए और बच्चों को देखिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। एक मैंने बताया था आपको कि एक ऑनलाइन नोट्स होता है जिसमें मैंने बताया क्लास नोट, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन एक वन नोट होता है। वन नोट एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जिसपे हम नोट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे आपको करना है तो इसमें क्या होता है कोलैबोरेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैं नोट बनाना चाहता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी उसको एडिट करें और मैं भी एडिट करूँ, तो आप उस तरह कुछ कोलैबोरेशन टाइप के यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो नोट्स क्रिएट हो जाएगा। और जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका नोट्स क्रिएट हो गया। यस और यहाँ पे देखिए आपका जैसे अभी यहाँ सेक्शन में कुछ एम्प्टी है तो आप मान लीजिए सोचिए मैं हिंदी बना दूँ, यहाँ मैंने हिंदी लिखा और और यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी हमें नोट्स क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ क्वेश्चन बच्चे को ही देना है या कुछ क्लियर करना है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ बच्चे को कि वन व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ, मैंने कुछ ऐसा लिखा हूँ इज द ऑथर ऑफ, मैंने सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा, बच्चे यहाँ हो सकता है आंसर यहाँ पे ऑलरेडी कोई कोई बच्चा होगा जो आपको, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को देखना है कि सेल्फ लर्निंग उनकी क्या है तो यहाँ से आपको कुछ चीजें लिख सकते हैं और यहाँ से बच्चे उसको आंसर कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह से कोलैबोरेशन टाइप का होता है। कोलैबोरेशन मतलब इन द सेंस कि जो भी यहाँ लिखेंगे वो बच्चों को भी एक्सेसिबल होगा और आपके भी बच्चे भी इसको एडिट कर सकते हैं और आप भी एडिट कर सकते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ आपको कोलैबोरेट कराना है बच्चों को तो उस केस में आप यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन दिया, आप उसके एक बार बार बच्चों से कि एक एक करके आप लोग आंसर लिखते जाइए। मान लीजिए कोई और स्टूडेंट है तो यहाँ आंसर लिखेगा तो उसके हिंट से आपको दूसरा स्टूडेंट उसको कुछ हिंट मिलेगा तो हो सकता है उसको इम्प्रूव करके कुछ और आंसर लिखेगा। तो जब भी आपको कोलैबोरेशन चाहिए बच्चों को, मतलब कोलैबोरेट कराना हो या कुछ डिस्कशन टाइप करना हो, आप वन नोट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वन नोट। तो ऐसे देखेंगे तो जो भी होगा वन नोट इस वाले यहाँ क्रिएट कर दिया हूँ, तो कभी भी मैं आऊंगा ये नोट्स जो भी मैं इसमें लिखा रहूंगा वो ऑलरेडी यहाँ पे आपका सेव है। देखिए अभी मैंने कुछ लिखा था तो जो सारी चीज़ आपकी ऑनलाइन यहाँ पे सेव है। फाइल्स में आपका स्टडी मटेरियल होता है जो ऑलरेडी आपने जो भी यहाँ किया वो आपका सेव रहेगा। एक सेक्शन होता है आपका पोस्ट। जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने कुछ आपको क्वेरी पूछी है टीचर से, तो यहाँ आप @ लिखेंगे तो आपका टीचर का नाम आ जाएगा। और मान लीजिए चूंकि मैं ही हूँ तो मान लीजिए मुझे इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैं इनका नाम लिखा एंड मैंने लिखा कि कोई भी क्वेश्चन व्हेन वी आर गोइंग टू टेक क्लास, आप जैसे यहाँ लिखेंगे और यहाँ इसको पोस्ट करेंगे यहाँ पोस्ट हो जाएगा। अब जो भी होंगे यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ आपको डिस्कशन टाइप करना है जो चैनल में डिस्कशन करना है तो आप यहाँ उसको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और जो टीचर होगा या जो बच्चे होंगे कोलैबोरेट करके उस क्वेरी का आंसर करेंगे। तो मतलब एक ये भी है आप एक यहाँ से भी कर सकते हैं और एक वक्त आप वन नोट्स के कुछ आप ऑनलाइन नोट्स वगैरह बनाना है तो बना लीजिए उसको बच्चों के साथ शेयर करिए या वहाँ भी आपको अगर बच्चों के साथ कोलैबोरेशन करना है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लास हिंदी में जैसे एक मैंने लेक्चर बनाया था तो अब जैसे जो बेसिक चीज़ आपको दो चीज़ें बता दी है कि कैसे आपको नोट्स बच्चों के साथ शेयर करना है, कैसे आप ऑनलाइन नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो एक टॉपिक और है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड, अगर आप हमारे लेक्चर ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड का यूज़ करें, जैसे हमारे ये लेक्चर है मैंने इसको ज्वाइन किया, जैसे मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो जैसे अभी तो मैं जूम से जुड़ा हूँ, तुम्हारे ये टीम से मैं अगर जुड़ता हूँ तो टीम से कुछ इस तरह जुड़ूंगा। तो जैसे इसमें शेयर करने में जाएंगे
देखिए आ रहा है व्हाइट बोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे अभी मैं पीपीटी में यूज कर रहा था वैसे ही सेम फीचर हमको यहाँ पे एक तरह से ब्लैक बोर्ड का मिलेगा। जैसे इसमें देखिए कि है कि जो व्हाइट बोर्ड है, हो सकता है दो टीचर कोलेबरेट करना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से ले सकते हैं, कोई कोलेबरेट करे उसके साथ कर। अगर आपको लगता है कि नहीं केवल आप ही इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप केवल अपने लिए, इसमें अगर देखेंगे व्हाइट बोर्ड में तो बहुत सारी कुछ फैसिलिटीज होती हैं। जैसे ये देखिए आपका पेन है तो मान लीजिए ब्लैक पेन यूज करना तो आप इसको यूज करिए, अगर रेड पेन यूज करना तो इसको यूज करिए, ग्रीन के लिए है और ब्लू के लिए है। तो मान लीजिए कि मैं ब्लैक ही यूज करना, तो मैं यहाँ लिखना, समझ रहे मैं लिखना शुरू किया हूँ जो भी यहाँ लिखेंगे, जो अदर साइड जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट इसमें ऐड हुए होंगे उनको ही दिखता रहेगा। इसमें एक ऑप्शन ये है कि कुछ हाईलाइट करेंगे, मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ इसको हाईलाइट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करिए और इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। इससे आप हाईलाइट करेंगे तो बच्चों को दिखेगा कि नहीं आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हाईलाइट है इसके लिए। ऐसे ही ये आपका इरेजर है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी लिखने वाले जी हमको लगता है कि नहीं मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया तो इसको मिटाना है तो यहाँ से इरेजर का यूज कर सकते। सिंपली ऐसे ही यहाँ टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ हम टाइप करके लिखें तो आप यहाँ टाइप करके भी लिख सकते हैं। यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो टाइप होता जाएगा और बच्चों को दिखता जाएगा। एक ऑप्शन ये है, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको इन केस लगता है कि नहीं कुछ हमें डायग्राम वगैरह बनाना है तो यहाँ देखिए शेप्स हैं, तो आप जिस तरह का शेप लेना चाहें उस तरह का डायग्राम, मान लीजिए हम स्क्वायर यूज करना है तो हमें देखिए आपके यहाँ स्क्वायर आ गया, इसको आपको कंट्रोल करना है तो आप इसको लीजिए और इसको जहाँ भी मूव करना है उसको आप मूव करते रहिए। ऐसे देखिए इसमें मान लीजिए अगर आपको ट्रायंगल बनाना है इसके ऊपर, तो मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया इसको यहाँ मूव कर दिया, तो जिस तरह का आप शेप बनाना चाहें इसको, मान लीजिए आपको छोटा करना चाहे छोटा कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको लगता है कि आपको स्मॉल करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए और इसको इसको जैसे भी आपको मूव करना है वैसे यहाँ पे इसको, जैसे आपको छोटा बड़ा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर देखिए तो इसमें जो है हम इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो जैसे जैसे जनरल हम लोग जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ एक चीज लिखे उसको मिटाते हैं फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या है कि आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करिए ब्लैक बोर्ड पे यहाँ मूव करिए, अब देखिए यहाँ आ गए, फिर यहाँ अगर आपको मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो फिर यहाँ सेम काम आप यहाँ कर लीजिए, जैसे भी आपको जो भी फिगर बनाना है या जो भी मान लीजिए आपको पेन पे लिखना है तो यहाँ कुछ भी जैसे लिखेंगे, जैसे भी आप लिखेंगे यहाँ आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी, जिस तरह का पेन लेंगे उस तरह का आपका कलर आएगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब जो हम क्लासरूम में करते हैं यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड चाक, यहाँ आप सेम चीज यूजिंग व्हाइट बोर्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा आपका लेक्चर इंटरेक्टिव होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं बच्चों के साथ सबसे बड़ी फेस प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे यूज्ड नहीं होते पीपीटी से, तो जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से यूज्ड नहीं होते तो उनको बहुत सारी चीज़ें कम समझ में आती है, क्योंकि बच्चे जब आप शुरू से अगर देखें आप फैमिली लेवल से तो बच्चों की जो आदत रहती है वो मोस्टली होती है कि हम यूजिंग मतलब ब्लैक बोर्ड एंड चाक ही पढ़ते आते हैं, तो उनको उसमें ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं समझने में। लेकिन अगर आप इसको मतलब अगर केवल आप पीपीटी से पढ़ाएंगे तो हो सकता है उनको कम समझ में आता है, अगर उसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करना है या लगता है कि नहीं बच्चों से हमें कुछ डिस्कशन करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बच्चों से हमें डिस्कशन करना है, तो यहाँ मान लीजिए मैंने कोई एक प्रॉब्लम दिया और बच्चों से यहाँ डिस्कस करना शुरू किया, ये सपोज करिए कि आपका कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर कोई प्राइम नंबर है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चे यहाँ एक एक करके आपसे बताएंगे सोल्यूशन, मान लीजिए वो बताएंगे कि नहीं प्राइम नंबर के लिए प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कुछ और प्रॉपर्टी होती है, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं और यहीं डिस्कस करके आप यहीं उनको एक सोल्यूशन दे सकते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन होगा। तो मतलब अगर आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना है और लगता है कि नहीं और क्लास को और अपने इंगेज करनी है तो आप यहाँ से व्हाइट बोर्ड यूज करके और ये सारे जितने फीचर हैं इनको यूज करके आप कर सकते हैं। चूंकि जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये माउस का यूज करके नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए एक ऑलरेडी एक हार्डवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं पेन टैप। अगर आप पेन टैप लेंगे तो सिंपली क्या है कि उस पर लिखेंगे जो भी आप उस पर मतलब लिखेंगे, आप स्क्रीन तरफ देखते रहिए और लिखते रहिए जो भी वहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ पे शो करता रहे। अगर आप माउस से लिखेंगे तो हो सकता है आपके सही से राइटिंग ना या सही से बच्चों को दिखे ना, लेकिन अगर पेन टैप वगैरह यूज करें तभी मैं बताऊंगा पेन टैप कहाँ अगर आपको लेना होगा कहाँ से ले सकते हैं और कैसे दिखता है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। ये तो वो व्हाइट बोर्ड का आपका यूज हुआ। अभी तक जितना भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें बताया कि हम कैसे
लेक्चर को जो भी लेंगे, लेक्चर बच्चों के साथ लेंगे या स्टडी मटेरियल कैसे शेयर करें, कैसे मैं उसको और इफेक्टिव बनाएं। नेक्स्ट है कि हमें शेयर करना है, मतलब जो बच्चे का जो असेसमेंट है उसको हमें देखना है कि बच्चों का असेसमेंट क्या है, बच्चे मतलब कितना नॉलेज गेन किया। असेसमेंट के लिए इसमें दो चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम में, एक जो है असाइनमेंट और एक है क्विज। तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट देखेंगे कि समझ रहे कि बच्चों को हमें एक असाइनमेंट देना है तो कैसे हम असाइनमेंट देंगे। देखिए अभी मैंने कोई इस क्लास में कोई असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया हूँ, तो आप ये ऑप्शन करके आएगा यहाँ, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट करके। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम बताइए, बोलिए आप। तो सपोज रही अगर आपको एक असाइनमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे जाइए, देखिए यहाँ दो तरह की चीजें हैं, एक तो है असाइनमेंट और एक है क्विज। इस क्लास के हमारे सपोज रही बच्चे हैं, उन सबको मुझे एक असाइनमेंट देना है सबसे पहला टास्क। तो जैसे मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा वो यहाँ ये करके आएगा ऑप्शन, समझ रही जो मुझे असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो हिंदी असाइनमेंट वन में दे रहा हूँ, जिसका मैंने इसका यहाँ टाइटल दिया मैं हिंदी का असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने हिंदी असाइनमेंट वन दिया। यहाँ बच्चों को अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने से लगता है कि नहीं जो असाइनमेंट करना है उसके लिए आपका ये आपका हो सकता है उसको, आप यहाँ कुछ भी इंस्ट्रक्शन, यहाँ लगता है कि नहीं बच्चों को आपको इंस्ट्रक्शन देंगे सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करें असाइनमेंट, तो यहाँ आप जो भी है मतलब आपको देना है इंस्ट्रक्शन वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं देख रहा हूँ अटेम्प्ट All questions of assignment. तो मैंने यहाँ दिया, अब यहाँ जो आपको असाइनमेंट देना है वो आप यहाँ देंगे। तो यहाँ एक तरह की एड रिसोर्सेज, मतलब जब असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि यहीं से 10 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँ। एड रिसोर्सेज करके जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन अपलोड करते हैं, एक तो है कि आप ऑलरेडी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, तो आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें रखे हैं यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकती हैं, या कुछ क्लास नोटबुक वगैरह बना के रखी है तो वहाँ से दे सकती है। और एक है कि मान लीजिए अपने कंप्यूटर से देना है, ये कंप्यूटर मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट बनाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे वही असाइनमेंट बच्चों को शेयर करूँ, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई मान लीजिए समझ रही है कि मैंने एक असाइनमेंट बनाया हुआ है, तो मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे मेरे एक असाइनमेंट है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको अपलोड किया। और जैसे मैं डन करूँगा क्योंकि तो जो भी असाइनमेंट है आपका मतलब जो क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों को वो आपका यहाँ पे आ गया। सेकेंड है कि असाइनमेंट कितने क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये समझ रहे कि क्योंकि हमें असेसमेंट करना है तो असाइनमेंट मान के चलते हैं कि मान लीजिए 20 मार्क्स का है, मैंने यहाँ उसका 20 मार्क्स लिखा। ये क्या एड रूब्रिक्स है, तो जैसे जो लोग MBA वगैरह में होंगे MBA वगैरह तैयारी करते हैं तो वहाँ होता है एक मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है, तो यहाँ से जो चूंकि मैं उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ तो मैं इन सब रूब्रिक्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप जानते हैं आप बच्चों को उन बेसिस पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रूब्रिक्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका देखिए देखिए कि ये जो असाइनमेंट दे रहे हैं तो इस क्लास के बच्चों को दे रहे हैं, जो मैंने अपनी क्लास क्रिएट की हुई है इसमें आप जो बच्चों को दे रहे हैं तो किन को देना, जैसे मान लगता है कि आपको सारे बच्चों को देना है तो आप सारे बच्चों को दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ सेलेक्टेड बच्चों को देना है तो आप यहाँ से उन बच्चों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो क्लास बनाया हूँ इसमें केवल सिंगल स्टूडेंट है इसलिए केवल एक ही लड़की एक ही स्टूडेंट का आ रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे बच्चे हैं तो आप यहाँ से सारे बच्चों को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको सेलेक्टेड को देना है, अगर आपको सबको देना है तो सिंपली यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करें। नेक्स्ट है कि अब असाइनमेंट जो आप दे रहे हैं एक चीज और है, देखिए यहाँ पे डू नॉट असाइन टू स्टूडेंट एट दिस क्लास इन द फ्यूचर, जैसे सपोज रहे कि अभी कोई क्लास है इसमें 10 स्टूडेंट हैं और इन फ्यूचर हो सकता है लड़का आपका छूट गया, उसको भी अगर आपको ऐड मतलब चाहते हैं कि जब भी आए तो उसको असाइनमेंट मिल जाए तो यहाँ आपका एडिट करके ऑप्शन है। जैसे ही है तो देखिए डू नॉट, यहाँ एक है कि अभी उन बच्चों को मतलब जो फ्यूचर में बच्चे हैं उनको असाइनमेंट मतलब ये ना दिखे या उनको ना दिया जाए, या एक है कि या तो जो बच्चे फ्यूचर में हैं उनको भी असाइनमेंट दिया जाए, दोनों चीजें हैं, तो अगर आप दोनों में जो आपके मतलब अनुकूल हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि नहीं कि जो बच्चे बाद में आएंगे उनको हमें असाइनमेंट नहीं देना है, जो भी करंट बच्चे बस इन्हीं के लिए असाइनमेंट, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है कि असाइनमेंट की डेट, इसमें देखिए तीन पार्ट है, पहला है कि असाइनमेंट आप कब देना चाहते हैं, बच्चों को कब बताना चाहते हैं कि नहीं मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए कि जैसे शेड्यूल असाइनमेंट इन फ्यूचर, जैसे मान लीजिए कि लगता है कि मुझे 29 तारीख को ही बच्चों को असाइनमेंट देना है तो मैंने 29 तारीख का डेट लिया, अब यहाँ टाइमिंग मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे टाइमिंग है जैसे अभी हो रहा है टाइमिंग आपकी
28 हो रहा है, तो सपोज कि मैं 2:30 पे असाइनमेंट बच्चों को देना चाहता हूँ, 2:30 मतलब बच्चों को पोस्ट हो, तो यहाँ से मैं उसकी टाइमिंग सेलेक्ट करूँगा 2:30 लग लीजिए उसको, 30 मैं पोस्ट आ जाए। उसके बाद असाइनमेंट की ड्यू डेट है, मतलब ड्यू डेट का मतलब असाइनमेंट बच्चे कब तक जमा करेंगे, मतलब एक चीज़ का कोई एक ड्यू होता है कब तक करना है, ये असाइनमेंट की ड्यू डेट है। तो सपोज लीजिए मैं असाइनमेंट की ड्यू डेट है मैं 29 ही रख रहा हूँ, और इसकी जो टाइमिंग है जो मैं टाइमिंग दे रहा हूँ इसकी 2:30 है, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं इसको 2:45 तक का मैं टाइमिंग इसको दे रहा हूँ, मैं 2:45 ठीक है, 2:45 PM तक ये बच्चों को ड्यू रहेगा। नेक्स्ट है कि क्लोज डेट है, जैसे कभी क्या क्या होता है जैसे हम असाइनमेंट जब इवेलुएट करते हैं तो बच्चा को असाइनमेंट दे दिया, हमें लगता है कि बच्चे ने असाइनमेंट सही से नहीं किया, तो कहते हैं नहीं फिर जाओ इसको करके लाओ, ये करेक्शन करके तुम असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक। तो ड्यू डेट के इनसाइड तो मतलब हो सकता है अगर जब असाइनमेंट को अगर आप क्लोज डेट करिए मतलब उसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये होता है क्लोज डेट, मतलब उसके बाद स्टूडेंट को अभी जमा ही नहीं कर सकते असाइनमेंट, ये आप इस तरह से पूछ कर सकते हैं। और जैसे इसको डन करेंगे तो यहाँ असाइनमेंट कब आपको पोस्ट होगा बच्चों को कब दिखेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। क्योंकि यहाँ असाइनमेंट को हो सकता है आप कैलेंडर में एड करना चाहें तो कैलेंडर में आप एड कर दिए सबके लिए, ताकि सबको मालूम हो कि असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या है, ताकि पहले ही आपको ड्यूटी में वो नोटिफाई कर दे कि ये जो असाइनमेंट आपने दिया था इसकी लास्ट डेट ये है और इतना टाइम आपका लास्ट मतलब होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको पोस्ट करना है, तो पोस्ट हमें करना है चूंकि किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी का मैंने असाइनमेंट दिया तो मैं हिंदी वाला चैनल सब्जेक्ट वाला सेलेक्ट करूँ, यहाँ मैं डन करूँ। जैसे मैं यहाँ करूँगा, जैसे इसको मैं करूँगा देखिए असाइनमेंट आपकी क्रिएट हो गई यहाँ, और अभी जब जैसे 2:32 होगा तो ये असाइनमेंट आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, अभी 2:32 हो नहीं रहा है, नहीं तो 2:32 होता तो इस क्लास में आपकी ऑलरेडी जो असाइनमेंट है वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटेड पोस्ट होगा, क्योंकि आपने दिया है कि जो असाइनमेंट ये पोस्ट होना है इन फ्यूचर होना है, कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे दिखेगा। तो अभी देखेंगे हम आएगा, अगर आप देखेंगे कि बच्चों को कैसे दिखेगा जो असाइनमेंट है, अगर आपको देखना है कि बच्चों के असाइनमेंट कैसे दिखेगा तो आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको दिख रहा है कि मतलब हमने पोस्ट किया है और ये असाइनमेंट हमने क्रिएट किया है। आप सपोज ये जो स्टूडेंट है उसके साइड से आपको देखना है एलोकेट करना है, अगर मैं यहां से मान लीजिए मुझे मैं साइन आउट करता हूं और एज ए स्टूडेंट इस सिस्टम में लॉग करता हूं, जैसे उस क्लास में एक स्टूडेंट था रोहित टेस्ट एट चकला न्यू के बारे से, मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा बच्चे के साइड से मैं देखने लगा बच्चों को कैसे दिख रहा है, जैसे आप इस पे स्विच करेंगे ऑलरेडी इस क्लास में स्टूडेंट एडेड है तो उसको ये क्लास की दिख रही है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा था आपको दे रहा है। जैसे यहाँ असाइनमेंट सेक्शन पे जाएंगे आप, यहाँ देखिए आपका बच्चों को एक असाइनमेंट पोस्ट हुआ, और देखिए जैसे ही 2:32 हुआ सारे बच्चों को नोटिफाई हो गया कि मैंने एक असाइनमेंट दिया था, बच्चे चाहे तो यहाँ असाइनमेंट देख सकते हैं, सवाल ये बच्चे स्टूडेंट जो है उसको असाइनमेंट देखना क्या आया है, उसको असाइनमेंट देखा इसको ही मालूम है कि एक असाइनमेंट दिया गया है, इसकी जो ड्यू डेट है आज ही की 2:45 PM की ड्यू डेट, आज ही 2:45 PM की ड्यू डेट, और ये जो असाइनमेंट का जो वेटेज है वो है आपका 24/7। असाइनमेंट को जो क्वेश्चन देखना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करेगा तो जो भी आपने क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे स्टूडेंट है उसने असाइनमेंट कर लिया और उसको अपना सलूशन देना है, प्लीज आपको म्यूट कर लीजिए सभी लोग, जैसे ही अगर उसको असाइनमेंट देना है तो यहाँ क्या होगा एड वर्क्स पे क्लिक करेगा, उसको असाइनमेंट जब सबमिट करना होगा एड वर्क्स पे जैसे क्लिक करेगा तो मान लीजिए लड़के ने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स है उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और उसकी PDF फाइल जनरेट की हुई है, उस PDF फाइल को अगर आपको बच्चे को अपलोड करना है तो उसने कंप्यूटर में रखा हुआ है, यहाँ से वो क्या करेगा इसको सेलेक्ट करेगा, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि यही उसका सिलेक्शन है असाइनमेंट है तो उसने से सेलेक्ट किया और जैसे सेलेक्ट करेगा तो ये आपका यहाँ पे बन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन है टर्निंग, तो मैंने असाइनमेंट जब अपने अपलोड कर दिया तो स्टूडेंट मतलब टीचर को नोटिफाई हो कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, जैसे यहाँ टर्निंग करेगा ये जो आपका असाइनमेंट है मतलब जो टीचर है उनको देखने लगेगा। तो यहाँ से
स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, अब वो टीचर के पार्ट से रह गया कि टीचर उसको इवैल्यूएट करे। तो अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट जैसे जैसे मैं साइन आउट करूंगा, तो अगर मैं जैसे टीचर इसमें अगर देखें क्लास में कि मैं असाइनमेंट जो आया और जो बच्चे ने सोल्यूशन सबमिट किया वो कैसा है, तो मैं जो टीचर देखेंगे क्या है उसका। जैसे ही मैं यहाँ से लॉग इन किया, टीचर टीम पे हमारी क्लास है, मैं अपनी क्लास में आ जाऊंगा और जैसे मैं असाइनमेंट सेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ देखिए असाइनमेंट है। जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि इस क्लास में एक ही स्टूडेंट था, उसने असाइनमेंट जब सबमिट करिया तो यहाँ आ जाएगा टू रिटर्न, इसने यहाँ दे दिया है। ठीक है, अब हमें इसका हमें वो देखना है कि इसका असाइनमेंट क्या है। तो यहाँ जैसे ही मैं टर्न इन पर क्लिक करूंगा तो उसका मुझे सोल्यूशन दिख रहा है, मान लीजिए जो भी उसने सोल्यूशन अपलोड किया था यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नंबर दे सकता हूँ। मान लीजिए आउट ऑफ 20 मुझे उसे 15 मार्क्स देना है, तो मैंने उसको 15 मार्क्स दिए और कुछ उसे फीडबैक देना, तो हम यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। और जैसे फीडबैक के बाद जैसे मैं यहाँ रिटर्न करूँगा, बच्चे को दिख जाएगा कि उसको 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स दिए गए और मैं यहाँ से। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मतलब टीचर ने मार्किंग गलत की है या उसने फाइल गलत अपलोड कर दी है, तो फिर से वो चाहे तो अपलोड कर सकता है जब तक कि असाइनमेंट का ड्यू डेट है, क्योंकि जब तक ड्यू डेट है तब तक वो कुछ भी कर सकता है, मतलब फिर से वो असाइनमेंट भी सबमिट कर सकता है। तो अगर इन बिटवीन अगर फिर से वो सबमिट करता है तो फिर से आपको यहाँ दिखने लगेगा कि उस स्टूडेंट ने असाइनमेंट यहाँ पे दिया है। अगर आप ग्रेड्स में देखना चाहेंगे, चूंकि एक ही स्टूडेंट है तो उसको मैंने एक असाइनमेंट दिया था और 20 मार्क्स का, अभी उसको कितने मिले हैं, 20 मार्क्स हैं, ये आपका असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट को आप ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, और असाइनमेंट स्टूडेंट तब तक वो सबमिट कर सकता है जब तक कि क्लोज डेट ना हो जाए या ड्यू डेट क्रॉस ना हो जाए। जैसे अगर ड्यू डेट क्रॉस हो गया तो स्टूडेंट का असाइनमेंट सबमिट, ये हमारे पास ऑप्शन है इसको करने के लिए। ये हो गया कैसे हम असाइनमेंट को बच्चों को हम कैसे असाइनमेंट देंगे और कैसे असाइनमेंट को हम इवेल्युएट करेंगे ऑनलाइन। तो चूंकि देखा जाए जैसे हम जो जनरल क्लासरूम मेथडोलॉजी में क्या करते हैं, जब भी हमें असाइनमेंट बच्चों को देना होता है तो हम क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल में सारे आंसर लिख के लाते हैं, फिर मेरे पास आता है, फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि नहीं तुम्हें असाइनमेंट में इतने मार्क्स मिले। लेकिन अगर हम टीम यूज कर रहे हैं तो अगर आप देख सकते हैं जो आपका मतलब जितनी ये सारी चीज़ें थी जो फिजिकल हो रही थी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, ऑनलाइन हैं। और अच्छी बात क्या है कि बच्चे ने जो भी असाइनमेंट सबमिट किया वो सारे डिजिटल फॉर्म में, तो उसको आप चाहें तो 100 साल 150 साल इन फ्यूचर कितने भी दिनों तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन अगर वही आप फाइल की केस में जाएं, तो अगर कोई लड़का फाइल बनाए है तो उसकी फाइल को आप ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फाइल या तो होने लगती है या मतलब उसकी डिग्रेड होने लगती है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे का जो असाइनमेंट आप कहीं से कहीं भी और कभी भी आप उसको एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एडवांटेज होता है अगर आप टीम वगैरह यूज करें और ऑनलाइन सबमिशन यूज करें। नेक्स्ट है कि हम कुछ क्विज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया असाइनमेंट के माध्यम से बच्चों को मैसेज करें, सेकंड जो वे है वो है हमारा क्विज। जब भी अगर आपको एक क्विज क्रिएट करना हो तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए यहाँ जनरल सेक्शन में जाइए, यहाँ से देखिए असाइनमेंट्स पे जाइए और असाइनमेंट्स फिर अगेन आप यहाँ इस पर